हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2006 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। आपको किसी राउटर का राउटिंग टेबल गिवन है और कहा है उस राउटर को एक इनकमिंग पैकेट मिला जिस पर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो मेंशन है वो ये है। ओके, अब ये राउटर इन चारों में से कौन से इंटरफेस पर इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा? तो देखो, आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि राउटर किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड कैसे करता है। किसी भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हम उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देखते हैं और इन नेटवर्क मास्क की मदद से हम इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क पता करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आप इस आईपी एड्रेस को इस नेटवर्क मास्क के साथ एंड करो। ओके, इनका एंड परफॉर्म करने पर जो भी रिजल्ट मिला अगर वो इस NID या नेटवर्क आईडी से मैच हो रहा है तो यहां पे फॉरवर्ड कर दो। ओके, इस इंटरफेस से कोई नेटवर्क कनेक्टेड है Ethernet 0, इस नेटवर्क को ये पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा। बाय चांस ये मैच नहीं हो रहा तो इस पे ट्राई करो, यानी कि इसका और इसका एंड परफॉर्म करो, अगर रिजल्ट ये आया तो यहां पर फॉरवर्ड कर दो, सो ऑन। ओके, यहां तक। अब एक सिनेरियो ये भी पॉसिबल है कि एक से ज्यादा एंट्रीज मैच हो गई। सपोज आखिरी की 3 एंट्रीज मैच हो रही हैं, तो इस केस में क्या होगा? आखिरी की 3 एंट्रीज मैच हो रही हैं मतलब कि जब आपने इसका और इसका एंड परफॉर्म किया तो ये मिला, सिमिलरली इसका और इसका एंड परफॉर्म किया तो ये मिला, और इसका एंड परफॉर्म किया तो ये मिला, तो ये तीनों मैच हो गए। इस केस में हम कहां पे फॉरवर्ड करेंगे? इस केस में आप देखोगे लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ वंस किस सबनेट मास्क में है, यानी कि हम लॉन्गेस्ट मैच देखेंगे। देखो, इसमें है 19 वंस, यहां पे हैं 8, 8 16 और 8 24 वंस, यहां पे हैं 24 और 3 27 वंस हैं, तो यहीं पे फॉरवर्ड होगा। ओके, यानी कि लॉन्गेस्ट मैच हमें चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर आप यहां से शुरू करो तो इसमें सिर्फ 16 वंस हैं। मान लो ये मैच हो भी गया तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि ये आंसर है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर इनमें से किसी पर भी मैच हो गया तो वही लॉन्गेस्ट मैच होगा, क्योंकि सबसे कम वंस तो इसी में है। तो सिर्फ इसे एनालाइज करके आप आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको लगेगा हो सकता है ये भी मैच हो जाए। ओके, इन दोनों को एनालाइज करने के बाद भी आपको लग सकता है कि ये मैच हो जाए, क्योंकि इसमें इससे ज्यादा वंस हैं, सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है। तो अच्छा ऑप्शन क्या है कि आप लॉन्गेस्ट वंस हैं जिसमें, जिस सबनेट मास्क में लॉन्गेस्ट वंस हैं, आप वहां से शुरू करो। यहां से शुरू करने का फायदा यह होगा, अगर इस पॉइंट पर मैच हो गया तो आप यहीं पर रुक सकते हो, इन तीनों को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट मैच आपने ढूंढ लिया है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो इससे जो छोटा सबनेट मास्क है, यानी कि जिसमें इससे कम वंस हैं, तो आप उसे ट्राई करोगे। ओके, तो ये है 255.255.255.224, यानी कि ऑल वंस, ऑल वंस, ऑल वंस, उसके बाद 3 वंस, तो ये मैंने यहां पे लिख रखा है ऑलरेडी। ओके, ये है 224। देखो ये 224 कैसे हुआ, 128 प्लस 64 प्लस 32, ये होता है 224। ओके, और गिवन आईपी एड्रेस भी मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है, ये है 144, ये है 16, ये है 68 और वो रहा 117। इनका एंड परफॉर्म करो। अब ऑल वंस को किसी भी नंबर के साथ एंड किया जाए तो वही नंबर मिलेगा, यानी कि आपको 144 ही मिलेगा। फिर से ऑल वंस हैं तो 16 ही मिल जाएगा। यहां पे भी आप ऑल वंस के साथ हैंड परफॉर्म कर रहे हो तो यही नंबर एज इट इज आ जाएगा और ये है 68। ओके, बट यहां पे हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहली 3 बिट वंस हैं, यानी कि इस नंबर की पहली 3 बिट्स एज इट इज आ जाएंगी। अब आखिरी की 5 बिट्स हैं जीरोस, जीरो के साथ किसी भी चीज का एंड किया जाए तो जीरो ही आएगा, तो आखिरी की 5 बिट्स जीरो होंगी। ओके, ये आपको मिलेगा 144.16.68.64+32=96। ओके, अब देखो क्या ये मैच हो रहा है, 144.16.68 तक तो मैच हो रहा है, बट यहां पे है 64, ये है 96, यानी कि इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड नहीं होगा, बिकॉज
ये मैच नहीं हो रहे, अब ट्राई करो इसके साथ, बिकॉज अगर ये पॉसिबिलिटी रिजेक्ट हो गई तो इन तीनों में से यही आपको लॉन्गेस्ट मैच दे सकता है। ओके तो ये है 24 वंस मैंने यहां पे लिख रखे हैं, ये तीनों अब जीरोस हो जाएंगे क्योंकि आखिरी ऑक्टेट में हमें जीरो गिवन है, ये रहा जीरो। ओके तो जीरो को 8 बिट्स में मैंने लिख दिया, तो 144 16 68 तो ऐसे ही आ जाएगा, ऑल जीरोस को किसी के साथ भी अगर एंड किया जाए तो ऑल जीरोस ही आएगा। ओके तो आपको मिला 144.16.68.0 144.16.68.0 तो यहां पे हो गया मैच। ओके यानी कि आप इस इंटरफेस पर पैकेट को फॉरवर्ड करोगे। अब क्या आपको पहले दो इंटरफेसेस को एनालाइज करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज मान लो यहां पे मैच हो भी गया और मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि एक्चुअली यहां पे मैच हो रहा है, बट हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों पे मैच हो या ना हो ये तो लॉन्गेस्ट मैच है ही ना। अगर यहां पे मैच हो भी रहा है तब भी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लॉन्गेस्ट वंस इसी में है। ओके तो आंसर है इथरनेट 2।